हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई एम अमरनाथ आनंद अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड को फाउंडर डायरेक्टर न्यूक्लियस कोटा। आई होप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल आईटी जेई का एग्जाम देने वाले हैं। दो अटेम्प्ट जेई मेन के ऑलरेडी हो चुके हैं और दो अटेम्प्ट जो है कोविड के रीजन की वजह से पोस्टपोन हो चुके हैं, और साथ ही साथ आपका जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन जो कि 3 जुलाई को स्केड्यूल्ड था वो भी अभी पता चला होगा कि पोस्टपोन हो चुका है, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह भी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह की न्यूज आने के बाद कहीं ना कहीं ढीले हो जाते हैं, जिनकी 2 साल अच्छी प्रिपरेशन भी चल रही होती है, पता चलता है कि लास्ट मोमेंट में आने के बाद ढीले हो गए, काफी स्लो पेस्ड पढ़ाई करने लगे, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस था कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने लग गए तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एग्जामिनेशन शायद कंडक्ट ना हो नहीं हो पाएंगे, और वो कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ा आराम या थोड़ा सुस्त पड़ गए। लेकिन बाद में हुआ ये कि जैसे ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए तो उन बच्चों का जिन्होंने 2 साल भी अच्छे प्रिपेयर किया था, बहुतों का रिजल्ट डाउन हुआ, और जिन्होंने इस टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी निकाला बच्चों ने, और उसमें काफी सारी प्रैक्टिस और काफी सारा काम किया और कहीं ना कहीं अपने वीक सब्जेक्ट्स को अच्छा किया, स्ट्रांग किया, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं दैट वाज फैंटेबुलस, और उन्होंने एक्चुअली इस कोविड टाइम को एज अ ब्लेसिंग और इन डिस्गाइज यूज किया, राइट। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अवगत कराना कि जो पिछले साल जिन बच्चों ने 2 साल इवन प्रिपरेशन करने के बाद जो गलतियां करी वो कहीं ना कहीं आप उस तरह की कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, आपको पता चल चुका है कि सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ठीक है यार, पढ़ाई रहने ही देते हैं, अब जब एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद सोचेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि जैसे एग्जामिनेशन का उसके बाद अनाउंसमेंट होगा, बहुत सारे बच्चे पैनिक करेंगे कि यार अभी एग्जाम कंडीशन कैसे लेंगे, मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया था, मैंने तो बहुत सारे धीरे धीरे पढ़ाई की थी, मैंने जो सोचा था स्केड्यूल कंप्लीट करने का वो नहीं हो पाया। जैसे अगर हम 3 जुलाई को भी एग्जामिनेशन अगर इन केस होता तो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते जो कहते हैं यार थोड़ा सा समय मिल जाता ना तो मैं बहुत अच्छा कर लेता, बढ़िया फोड़ देता, समझ में आ गया। तो ये वही बच्चे होते हैं जो हर बार एग्जाम टलने के बाद बार बार यही स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं कि थोड़ा समय और मिल जाता है। अब भाई इससे ज्यादा तो क्या समय मिलने वाला है? तो अगर आप सीरियस हैं अपने गोल के प्रति तो आपके लिए अब इससे ज्यादा समय बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अब यार बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करूं, इसकी करूं, उसकी करूं। तो सबसे पहले आप समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ही तैयारी कीजिए। उसका रीजन क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो पक्के होंगे ही होंगे, क्योंकि हर साल एक फ्लो रहता है कि भाई इंजीनियर्स और इस तरह की चीजें बननी चाहिए देश के अंदर। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ये तो पक्के से होगा ही होगा। हालांकि आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि बोर्ड में सीबीएसई, आईसीएसई और तमाम डिफरेंट बोर्ड में ये भी ऑप्शन पे बात हो रही है कि हम क्लास 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दें, या ऐसा क्या मिनिमम तरीका निकालें जिससे कि भाई चीजें श्योर शॉर्ट, मतलब इस तरफ रिस्क वाले एरिया में नहीं जाए। तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस करते भी हो तो यू विल बी गिवन एनफ और सफिशियंट टाइम जिसमें कि आपको उसकी तैयारी का मौका मिलेगा, और इनकेस अगर वो जैसे 10th एग्जामिनेशन की तरह, क्योंकि वो भी ऑप्शन पे विचार किया जा रहा है, और शायद हो सकता हो कि 12th के एग्जामिनेशन जो है अगर आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होंगे वो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर देना चाहूंगा, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि कैंसिल ही हो जाएगा, ये ऑप्शन पे बातचीत हो रही है, बस मैंने इतना ही कहा है, इसको अन्यथा ना ले, राइट। तो मैं अब बात करता हूँ कि जो जेई मेन और जेई एडवांस के जो एग्जामिनेशन है, जैसे जेई मेन में 2 अटेम्प्ट बचे हैं, जेई एडवांस में अटेम्प्ट आपका बचा हुआ है, तो आप पहले इस चीज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। बचपन में आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। जैसा कि आपको पता है कछुआ अपने स्वभाव के अनुसार काफी स्लो है और खरगोश काफी फास्ट है, तो दोनों की रेस होती है, और रेस होती है तो जैसे ही भागना चालू करते हैं तो खरगोश जो कि ऑब्वियसली बात है बहुत फास्ट रहता है, बहुत आगे निकल जाता है, और कछुआ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो खरगोश लगता है कि यार बहुत पीछे, यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, आराम करने में अपना क्या जा रहा है, तो आलसी स्वभाव थोड़ा दिखाता है वहां पे, और थोड़ा सा पेड़ वेड़ के छाव के नीचे मस्त नींद वींद निकालने लग जाता है, और होता ऐसा है कि नींद थोड़ी सी लंबी लग जाती है, और इस क्रम में क्या होता है कि कछुआ जो उसको क्रॉस करके धीरे 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 अपनी फिनिशिंग लाइन की तरफ पहुंच जाता है, और जब
खरगोश की नींद टूटती है तो काफी देर हो चुका होता है, और वो एक कहावत भी है कि अब पछतावे का होते जब चिड़िया चुग गई। तो फाइनली क्या होता है कि कछुआ जी जाता है। तो यहाँ पे मोरल दिया जाता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, दूसरा है, इसके बाद कहानी कंटिन्यू कर दी जाती है कि भाई चलो एक बार और रेस लगाते हैं। खरगोश ने फिर से प्रपोजल दिया कि चलो भाई एक बार और कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस बार खरगोश बिल्कुल बीच में कहीं नहीं सोता है और फटाफट फटाफट फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है और जीत जाता है, और कप उठा के नहीं मजे करता है। तो फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। ठीक है, कहानी इसके आगे और भी लोगों ने बढ़ा दी है कि भाई ट्रैक चेंज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। खैर अपनी कहानी यहीं तक है। ठीक है, अपनी कहानी में यहां तक की बात क्या है कि आपने जो 2 साल प्रिपरेशन करी है मेरे दोस्त, समझ में आया क्या? इसको ऐसा ना करें कि ये जो टाइम है इसको सोने में निकाल दें, इसको आराम करने में निकाल दें, इस तरह का कार्य बिल्कुल भी ना करें। इस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन कब होंगे, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि एग्जामिनेशन होने तो पक्के हैं। आप ऐसा सोचिए कि आपने जो 9th 10th 11th में जो सपना देखा था कि आईआईटी के किसी ड्रीम कॉलेज में जाना, आईआईटी मुंबई में जाना, आईआईटी दिल्ली में जाना, इस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना, क्या उसको हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं अगर हमारा 3 महीने एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो जाता है? तो माई होप विल बी कि द आंसर इज नो, कि सर हम इस 3 महीने को एक्सटेंड होने पे बिल्कुल भी अपने सपने को सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। इनफैक्ट हम इस 3 महीनों में ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि अगर हमारा कोई सपना, हमारा जो सपना था, अगर वो कुछ अधपका रह भी गया था तो उसको पूरी तरीके से पका के बढ़िया करके ले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि वो जो बच्चे जिनके अंदर एक आग थी कि भाई मेरे को ये करना ही करना है, वो आग इस पर्टिकुलर माहौल में धीमी नहीं होनी चाहिए, इसकी लौ जल्दी रहनी चाहिए और बखूबी जल्दी रहनी चाहिए। और जब आप इसको जला के रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको हर एक वो बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करता हो। खुदा ना खास्ते अगर कुछ घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो देन इट इज अ डिफरेंट आस्पेक्ट, लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही हो और आप फिर भी ढीले पड़ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इस वीडियो के बाद तो कम से कम आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, और स्टार्ट नहीं कीजिए ऐसी एनर्जी के साथ कीजिए, जैसे धूम मजा के कीजिए कि बच्चे जो भी आप पढ़ रहे हो आपको मजा आ जाए कि यार इतना तो मैंने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि ये जो 2-3 महीने अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से निकाला तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी आईआईटी आप तय कर सकते हैं। और लास्ट ईयर आपने देखा भी होगा कि जितना पोस्टपोन हुआ था एग्जामिनेशन, उतना ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ा था, यानी बच्चों के नंबर्स भी राइज किए थे। तो इसका मतलब ये साफ साफ बतलाता है कि बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन में होते हैं वो अपनी पढ़ाई को निरंतर एक्सेल करते हैं, और उसी की वजह से उसी का नतीजा होता है कि वो जो कॉम्पिटिशन में आप देखते हो कि जो नंबर्स का इंक्रीज दिखता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें सबसे पहली बात है कि अपने धैर्य को बिल्कुल डिगने नहीं देना चाहिए। हमारे को अपना जो धैर्य है वो बहुत 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 शानदार बनाना चाहिए, और बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि एकदम धैर्यवान आदमी की तरह कार्य में जुटे रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सडनली किसी दिन डेट अनाउंस हो और आप पैनिक कर जाओ कि यार अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो ये कोर्स बाकी है, मेरा तो वो कोर्स बाकी है। तो सबसे पहली चीज है कि हम इसी को आज अपने इस वीडियो में सेटल करते हैं। वीडियो में कैसे सेटल करते हैं कि जो भी अभी तक आपने टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कंप्लीट कर लिए हैं मेरे दोस्त, आप सबसे पहले उसको फिर से सेक्शन वाइज डिवाइड कीजिए। ये काम मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था करने के लिए, अगर उस समय नहीं किया था या उस समय किया भी था लेकिन फिर भी अभी आपको करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि उसमें कितना चेंज आया है। 3 पार्ट में अभी भी आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड कीजिए, इधर इट इज इन मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। जस्ट देखिए कि मैथ्स में कितने टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रांग हैं, ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जो मीडियम हैं, मीडियम जोन में है, मॉडरेट जोन में है, और ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली वीक हैं। और इसको देखने के बाद हमारे को सबसे ज्यादा बात करना पड़ेगा कि वी विल हैव टू बिल्ड ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड वी विल हैव टू कवर अप द बेसिक एज वेल, सो दैट कि हम एग्जामिनेशन के हिसाब से अच्छा कर पाए। अब जब इन 3 पार्ट में बांट लिया है तो फिर से जो वीक वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं थ्योरी में गड़बड़ होगा। अगर लगता है कि नहीं यार सर थ्योरी तो मेरी बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो शीट है, बिल्कुल एकदम धकच के कीजिए और इतना बढ़िया करके दिखाइए कि बिल्कुल वो जो वीक सेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है ना, रिवाइज करने पर फोकस कीजिएगा जो भी वीक सेक्शन है। ऐसा नहीं कि वीक सेक्शन में कोई नई किताब करने लग जाइएगा, फिर से नई किताब कीजिएगा, फिर से आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तो यानी कि फिर से वीक सेक्शन में आपको क्या करना है कि पूरी शीट को बहुत शानदार तरीके से करना है। मॉडरेट सेक्शन में हम लोगों को क्या करना है, मॉडरेट सेक्शन में भी जो टफेस्ट
टाइप के जो प्रॉब्लम थे उसको भी अच्छी तरीके से हैंडल करना है। स्ट्रांग में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ नई चीज कर सकते हो, या फिर अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं वो जो पेपर्स हैं उनके अच्छे अच्छे सवाल जो है आप दोबारे कर सकते हो, और शीट के भी सवाल दोबारे कर सकते हो, या नोट्स में ऐसे कोई सवाल है जो आपको लगते हैं कि दीज कैन बी द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसके थ्रू बहुत सारे सवाल डेवलप किए जाते हैं दोस्त, तो इसको भी आपको अच्छे से करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। तो यानी कि अपना उत्साह कम नहीं होने देना है, हमें इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे को जो इजी जो हमारा वीकेस्ट पार्ट है उस वीकनेस को भी दूर करना है, मॉडरेट को भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना है, और स्ट्रांग को तो बिल्ड करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन ही इसी नेचर का होता है कि जो आपका स्ट्रांग पार्ट है वो कितना स्ट्रांग है, क्या आप उसमें इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि अगर इस सेक्शन से कोई सवाल आए तो 99% चांसेस है कि आई विल डू इट करेक्टली। अगर इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके स्ट्रांग सेक्शन में तो देन इट इज अ वेरी स्ट्रांग सेक्शन, और ऐसे ही सेक्शन जो है आपको इस तरह के एग्जामिनेशन में जीत दिलाते हैं दोस्त। उसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्केड्यूल्ड स्टडी। स्टडी जो है स्केड्यूल्ड ही होनी चाहिए, आपको फिक्स टाइम पे उठना, जगना, सोना और इस तरह के कार्य जरूर से करने चाहिए, और स्टडी जो है स्केड्यूल्ड होने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। अगर आपको लगता है कि जेई मेन में आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है तो जेई मेन वाले जो सवाल है उसको और करके देखिए, उसके टेस्ट और देकर देखिए। इस चैनल पे भी मैंने TYQs बना के रखे हुए हैं, उस TYQs दिस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करके देखिए कि उनकी कहीं ना कहीं वो एक रेलेवेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर 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 करना चाहिए। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, राइट। इसी तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं कि और जो भी आप इंस्टीट्यूट में हैं उसके टेस्ट पेपर दें। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जो पुराने टेस्ट पेपर हैं अगर वो आपके पास हार्ड फॉर्मेट में है, अगर सॉफ्ट में है, तो उसको हार्ड कॉपी में बना ले लीजिए प्रिंट आउट, और उसके बाद उस टेस्ट को दीजिए, सो दैट यू फील मोर कॉन्फिडेंट कि आप जो पहले मेरे एग्जामिनेशन में नंबर आए थे उससे बेटर हो रहा है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो अभी भी आपको एनसीईआरटी चाटने की जरूरत है, एनसीईआरटी पूरी तरीके से चाट डालिए, समझ में आएगा, क्योंकि हर एनसीईआरटी का केमिस्ट्री में एक एक हो सकता हो लाइन जो है वो आपके लिए हो सकता हो कि क्वेश्चन के फॉर्म में दिख जाए, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, दोनों में दिख सकता है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी अच्छे चार्ट जाइए। अगर आपने फिजिक्स में एससी वर्मा और इस तरह इरोडोव तरह के सवाल किए हैं तो इनको भी रिवाइज कीजिए, जो भी नोट्स हैं जो भी कहा जा रहा है उसको कीजिए, ठीक है ना। इरोडोव टाइप के सवाल अगर आपने नहीं किए हैं जो होमवर्क में थे तो उसको भी कीजिए, अगर एससी वर्मा में लगता है तो उसको आप एक बार और कीजिए, उसके जो अच्छे सवाल है जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एससी वर्मा इज मोर देन सफिशियंट फॉर गेटिंग इन टू आई टीज। अगर मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैंने भी बस यही दो किताबें करी थी फॉर गेटिंग इन टू आई आई टी। तो बिल्कुल बच्चों इन बातों का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल तंदुरुस्त और मस्त तरीके से करते रहिए। विश यू ऑल वेरी बेस्ट, और भी अगर किसी तरह की वीडियोस बनाने की जरूरत पड़े तो कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा, और अगर पसंद आया तो जरूर से इसको शेयर करें, अटेंडेंस लगाना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, नमस्कार।